नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। किशनगढ़ में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। विवाहिता को उसके परिचित ने ही धोखा देते हुए न केवल स्वयं ने दुष्कर्म किया बल्कि दो साथियों को भी घृणित कृत्य में शामिल कर मानवता को शर्मसार किया। विवाहिता ने थाने में रिपोर्ट देते हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। किशनगढ़ शहर में 376 डी में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें महिला को झांसा देके किसी होटल में ले जाया गया, जहां कुछ लोगों ने उस पर बलात्कार किया। इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं और जांच करके इसमें जो भी कानून सम्मत कार्रवाई वो आगे करेंगे। कोटा में नगरीय विकास व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर जन सहयोग से कोटा नयापुरा कालपुरा बस्ती में स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कालपुरा बस्ती पहुंचकर मंदिर परिसर का क्षेत्रवासियों के साथ अवलोकन किया। क्षेत्रवासियों की ओर से मंदिर के कायाकल्प की मांग की जा रही थी, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि जन सहयोग से मंदिर परिसर में आवश्यक कार्य और जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के जैतसर में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के प्रवेश के लिए आवेदन संबंधी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया में कुल 96 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राजकीय श्रद्धानंद आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मित्रपाल ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश आवेदन प्राप्ति के दूसरे दिन कुल 96 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 24 जून से महात्मा गांधी विद्यालय उसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रत्येक क्लास में 1 से लेकर 5 तक 30 बच्चे और 6 से लेकर 8 तक 35 बच्चों की अभी तक गवर्नमेंट ने सहमति दी है। ये स्कूल पहले सीनियर स्कूल में मर्ज हो गया था, लेकिन अब इस स्कूल को जो उच्च प्राथमिक विद्यालय था इसको रीओपन करवा करके इंग्लिश माध्यम का स्कूल के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी। लाडनो जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा, वृत्त अधिकारी गेमाराम बिजारणिया के निर्देशन पर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया गया। इस गैंग से 33 मोटरसाइकिल जब्त की गई, वहीं 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है, वहीं अन्य आरोपियों के भी गिरफ्तार होने की संभावना बनी हुई है। जैसे कल लाडनो पुलिस द्वारा एक इंटर स्टेट वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया, इसमें 3 साथी वाहन चोर अरेस्ट किए गए, उनके कब्जे से 32 मोटरसाइकिल बरामद की गई। आगे इसका अनुसंधान जारी है, जिसमें ये देखा जाएगा कि ये गाड़ियां कहां कहां से चोरी की गई हैं, इसमें और लोग कौन इन्वॉल्व हैं गेम में और कौन लोग हैं, और जहां ये गाड़ियां बेची गई हैं उन दुकानदारों से भी अनुसंधान किया जाएगा, उनकी कितनी संलिप्तता है, कितना उनको ज्ञान था कि ये चोरी की है, क्या है, इस बारे में अनुसंधान किया जाएगा। लाडनो पुलिस टीम द्वारा एक बड़ा अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 32 मोटरसाइकिलें हमने काफ़ी महंगी पावर बाइक्स बरामद की है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अटरू सर्किल की कवाई पुलिस ने 22 जून को हुई रविंद्र नाम के युवक की हत्या के मामले में 5 कथित हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा ने बताया कि नंसिंह खाती ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई रविंद्र कवाई रहता है, जो मोटरसाइकिल से छिपावड़ोद से अजनावर होता हुआ टांचा की तरफ जा रहा था, जहां पहले से घात लगाकर बैठे मोजीराम मेघराज समेत आधा दर्जन लोगों ने सरिये गंडासे से वार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।